फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया और आज मैं आपके सामने घर पे ही रखी हुई कुछ चीजें जैसे कि नमक के कुछ अचूक उपाय लेकर आई हूं, जिससे आपकी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या वास्तु दोष है या हेल्थ इश्यूज है वो बहुत जल्द आपके ठीक हो जाएंगे। अगर हम फाइनेंशियल इश्यूज की बात करें तो आपको नमक का एक छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको एक कांच का गिलास लेना है, उसमें पानी और नमक मिलाकर रखना है और उसको घर के साउथ कॉर्नर में रखना है और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब जला देना है। आप इस नमक के पानी को लगातार बदलते रहिए और धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होने लगेगा। अब बात करते हैं वास्तु दोष की। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको क्या करना है, आपको एक कांच का बाउल लेना है और उसमें खड़ा नमक यानी कि समुद्री नमक रखना है और उसको आपको टॉयलेट या बाथरूम में रखना है और महीने में एक बार आपको ये नमक बदलते रहना है। साथ ही अपने घर में समुद्री नमक का पोछा भी करना है। इससे क्या होगा, इससे सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो नेगेटिव एनर्जी चली जाएंगी और वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमारे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि कोई लगातार बीमार रहता है, वो ठीक ही नहीं रहता है, उसके लिए नमक का छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, जो भी इंसान बीमार है उसके सिरहाने कांच की कटोरी में खड़ा नमक यानी कि नमक के मोटे मोटे टुकड़े रखने हैं और उसको सप्ताह में एक बार बदलना है और जो भी नमक आप बदल रहे हैं उसको जल में प्रवाह कर दीजिए या फ्लश कर दीजिए। इससे जो बीमार है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब बात करते हैं एंजाइटी इश्यूज की। कई बार होता है कि हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, मन बेचैन रहता है, कहीं कुछ करने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में नमक का एक छोटा सा उपाय करें। आपको क्या करना है, आपको नमक अपने दोनों हाथों में लेकर थोड़ी देर अपने हाथ में रखना है और उसके बाद उसको वॉश बेसिन में या पानी में बहा देना है। इससे क्या होगा, आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर है, आपकी बॉडी में है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील करने लगेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप नमक और पानी को घोल के उसमें थोड़ा सा अपनी बॉडी पे स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे भी नेगेटिविटी कम हो जाती है। दर्शकों, अगर आपको ये नमक के छोटे छोटे उपाय पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।